मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। एक और अति धोखादायक बिल्डिंग आनन फानन ठाणे मनपा मुमरा प्रभाग समिति अतिक्रमण विभाग और उससे संबंधित इंजीनियरों ने आज खाली कराई है। कुछ ज्यादती भी हुई है, महिलाओं के साथ खींचातानी, उनके कपड़े फाड़ना और बड़ा टेक्निकल इशू है यहाँ पर। पहले C2A में ये बिल्डिंग आती थी, हैदर बादर नाम है इस बिल्डिंग का, तनवर नगर के बिल्कुल ठीक सामने है। तनवर नगर का बंद पड़ा हुआ कई सालों का कलटैक्स पेट्रोल पंप है, बिल्कुल ठीक उसके सामने ये इमारत है। तकरीबन 40 साल से ज़्यादा पुरानी ये इमारत है और इसमें तल अधिक 4 मंजिला की इस इमारत में 21 परिवार रहते हैं। आज मनपा ने आनन फानन में इस इमारत को सील किया, यहाँ रहने वाले तमाम परिवारों को खाली कराया। अब बारिश के इस मौसम में, लॉकडाउन के और महामारी के इस दौर में ये 21 परिवार कहाँ जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या पूरा मामला है, किस तरीके की इसमें टेक्निकलिटी है और मनपा अधिकारियों का क्या कहना है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले हैदर बादर बिल्डिंग के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। उनका दावा है कि C2A कैटेगरी के अंदर इसका स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट जो है वो आया हुआ है, उसके बावजूद जबरन C1 में इस इमारत को डाल करके मनपा द्वारा खाली कराया जा रहा है। तो हमारे साथ है इसी बिल्डिंग के पूरा देखने वाले सैयद असगर। असगर भाई, क्या बताएंगे, क्या पूरा मामला है, कैसे मनपा ने आज कार्रवाई की है, कितने परिवार है इस पूरी बिल्डिंग में और कब से ये मसला चल रहा है? भाई, ये तकरीबन नहीं क्या कुछ दिनों से मसला चल रहा है। इसमें 21 परिवार रहते हैं जी, और जब बिल्डिंग को नोटिस मिली थी रिपेयरिंग की 3 तारीख को, हमने 7 तारीख को इसका जवाब दिए थे कि हमको रिपेयरिंग के लिए कुछ टाइम दे दीजिए, क्योंकि महामारी लॉकडाउन की वजह से परिस्थिति ऐसी नहीं है लोगों की। और फिर भी हम लोग ने थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के ये जो मलबा देख रहे आप यहाँ से तोड़े गए। 3 जुलाई को आपको C1 की नोटिस दी गई और हमने उसके पहले ऑडिट कराया तो C2 की ऑडिट रिपोर्ट है हमारे पास। अच्छा, हाँ, और म्यूनसिपलिटी ने C1 की दी है। अच्छा, ये ऑडिट की रिपोर्ट आपको कौन से महीने में मिली है? ये जून महीने में मिली आपको, 10/6/2020, यानी 10 जून 2020 को मिली है। हाँ, तो एक ही महीने में ये C2A से जो है C1 में चली गई। अच्छा, अपने आप बोलो। हाँ, और ये भी ऑडिट रिपोर्ट बाहर की नहीं है, ये TMC की है, TMC के पैनल इंजीनियर से, उन्हीं से आपने कराया है, लेकर आए, बाहर से नहीं करा, वही मानी जाती है। उन्हें तो मान्यता नहीं, लोग देंगे नहीं, दूसरे इंजीनियर की मानते नहीं, मानते नहीं जी। और ये जो दादर का आप देख रहे आप दे, ये हम लोग ने रिपेयर करने के लिए तोड़े ले। अच्छा, ये टूटा नहीं है भाई। अच्छा, आप बाहर से पलस्तर देखेंगे, बिल्डिंग का किराया कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर भी आप बोल रहे रिपेयर, तो हम लोग रिपेयर करवा रहे। हाँ, हम लोग ने बिल्डर से भी बात कर ली है, अग्रीमेंट हो गया, कुछ लोग ने खाली करके रीडेवलपमेंट करने की जी। हाँ, आपने बोले रिपेयर करने का, हम लोग ने बिल्डर से बात करके रीडेवलपमेंट में भी डाल दिए ले। अच्छा, लेकिन हमको कुछ वक्त मांगता, हम इसके लिए रिक्वेस्ट लेटर भी दिए ले। हाँ, लेकिन फिर भी जबरन आके आज ऐसा हो गया, कल आके बोलते हैं कि खाली करो, 24 घंटे का टाइम देते और आज आके जबरन पुलिस के साथ में लाके खाली करा रहे। यानी एक दिन कुछ पहले आकर के वार्न करके गए कि 24 घंटे में खाली करो, कल शाम में। अच्छा, सिर्फ 12 घंटे के अंदर आप बोलेंगे तो खाली करो, तो आज ऐसी कंडीशन नहीं है लोगों की, खाने के लिए नहीं है, काम धंधे बंद है, तो आपको ये बारिश पानी में कुछ वक्त तो देना मांगता है, 1-15 दिन का, महीने भर का कुछ ऐसा वक्त दीजिए आप लोग। गरीब लोग कहाँ जाएंगे भाई, जिनका खाने रोजी का जरिया नहीं है आज। अच्छा, तो आज जो बारिश में कार्रवाई हुई जी, जो खाली कराया गया जी जी, तो उस वक्त कुछ विवाद हुआ, कुछ महिलाओं के साथ में ज्यादती हुई, क्या हुआ था? लोगों ने ऐसा हो गया कि लेडीज लोग ने भी पूछे कि भाई कुछ वक्त दो, ऐसी कुछ मुंह मारी तो लेडीज लोग को धक्का देना, फाड़ना उड़ना, मारम पीटी, घर में घुस रहे ले। साहब, इंस्पेक्टर खुद हमारे घर में घुसे। हाँ, उनके आंग के ऊपर हाथ उठाए, उनके कपड़े फाड़ डाले, इतनी बदतमीजी किए उनके साथ। और जब वो हमारी बहू चिल्लाने लगी, बच्चा शारिक बच्चा हमारा लड़का सोया हुआ था, वो जब आया और इसको छुड़ाया, उनके हाथ वाथ छुड़ाया, तो उसको मारते हुए पकड़ के खींच के लेके गए, अभी वो अंदर है। अच्छा, अब बोले पुलिस से हाथापाई किया, पुलिस से कैसे कोई हाथापाई करेगा बेटा, बताओ आप। अच्छा, वो इनको बचा रहा था, बचा रहा था अपनी माँ को, जब माँ चिल्लाएगी बेटा बचा बचा शारिक मुझे बचा, तो जाहिर सी बात है वो आएगा ना। हाँ, तो उसको ले जाके अभी अंदर बंद करके रखे, अभी तक छोड़े नहीं, बोले छोड़ते 5:30 को छोड़ते और नहीं भाई छोड़े बेटा नहीं छोड़े। अच्छा, क्या बताएंगे आज कैसे पुलिस वाले ने क्या किया? 2 मिनट के अंदर निकलो, नहीं तो दरवाजा तोड़ के मारेंगे, तो निकालेंगे दरवाजा तोड़ के मार के निकालेंगे। अच्छा, ऐसे
फिर मैंने खाना तक नहीं लिया, दो मोबाइल लिए और निकल गई। सब ऐसे सामान छोड़ के निकले, बारिश के टाइम जाएंगे, एक जोड़ी कपड़े तक नहीं लिए बच्चे के, बारिश का लॉकडाउन टाइम चल रहा है। आपके साथ और ये जो महामारी हुई है ये मेरे साथ हुई है कि इन लोगों ने आए और सबसे पहले मुझसे ही बात करे, तो मैं बोली नहीं नहीं अभी एकदम से हम लोग कैसे निकलेंगे, तो बोले ये बहुत शानी औरत है इसको बोले बराबर पकड़ो, बोले सब अंदर चलो, तो सब अंदर लेडीज नहीं आई, तो एक टू स्टार अंदर आए और वो अंदर आया तो वैसी पूरी लेडीज ने आके मुझे पकड़ा और पकड़ा तो मैंने अपने आप को छुड़ाया और मैंने मेरे बच्चे को आवाज जो चिल्ला दी मैंने कि मेरे को बचा बेटा, इन लोग मेरे को लेके जा रहे, मेरा बच्चा आया, मेरा बच्चा आया ना तो मुझे झट से छोड़ दिए, मेरे पूरे कपड़े फाड़ दिए और मेरे बेटे को है ना गोद में उठाए और लेके भाग गए। वो ऐसा था कि और गाड़ी में जाने बंद कर दिए, कहाँ जाएंगे बारिश के टाइम बाहर, कहाँ से और यहाँ से यहाँ तक उसको गोद में डंडे से मारते मारते यहाँ से यहाँ तक लेके गए। अच्छा ठीक है असगर भाई, मुझे एक बात बताइए कि इसमें ये ग्राउंड प्लस फोर यानी चार मंजिला इमारत है, ग्राउंड प्लस फोर है, तो कितने परिवार रहते हैं इसमें, मालिक कितने हैं, किराएदार कितने हैं, अभी वैकेंट कितने हैं उसमें रूम, क्या पूरी डिटेल है इसकी? भाई इसमें यानी क्या 21 परिवार रहते हैं। अच्छा। उसमें से सिर्फ एक जो फ्लैट है वो बंद है। हाँ। और तकरीबन आठ सिर्फ सात या आठ भाड़ उतरेंगे, बाकी जो भी है ओनर लोग हैं। अच्छा जी, सब मतलब सात आठ किराएदार हैं, बाकी के सब ओनर रहते हैं। अच्छा, तो अभी फिलहाल आपको वक्ती तौर पर कहीं रिहाइश देने की कुछ बात हुई, किसी तरह का कोई आसरा देने की बात हुई? नहीं जी नहीं भाई, अभी तक का मतलब ऐसा अभी तक का कोई बात ही नहीं, कोई बात उन लोग ने करे ही नहीं हमसे जी, सिर्फ निकालना और यहाँ से भगाना हुआ। अच्छा, सामान निकालने नहीं दिए, कपड़े निकालने, दूध की बोतल वगैरह खाना, यानी कि ये C1 में उनके हिसाब से बिल्डिंग आ गई है, ये अगर अति धोखादायक होकर के गिर गई तो इल्जाम उन पर आएगा। आप बारिश में अपना सामान लेकर रास्ते पर पड़े रहो, बेयारो मददगार पड़े रहो, इससे उनको कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो यहाँ के नगर सेवकों ने कि समाज सेवकों ने कुछ मदद आपकी करने के लिए आए, कुछ कोई आगे नहीं बढ़ा, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया जी? ठीक है, ये एक बात बताइए, ये आज म्यूनसिपालिटी के लोग आए, पुलिस साथ में थी, तो कोई सामान कपड़ा वगैरह आपको निकालने दिया या नहीं दिया? नहीं निकालने दिया, कहा निकलो बस निकलो। अच्छा। खाली करो नहीं तो मार करके निकालेंगे। अच्छा, मैं जंजीर लगा रही थी, बोला दरवाजा तोड़ के मारेंगे, उल्टे तरीका से मुझे है ना निकालना पड़ेगा, ऐसी बोले। अच्छा, मैं तो कोई सामान लेने नहीं, कोई दिया, सामान नहीं लेने। अभी फिलहाल आप जिन कपड़ों पर हो, ये एक थैली आपके हाथ में, इतना ही सामान नहीं है, सबका यही हाल है, सबका यही हाल है। तो आज आप बताइए, आज कितने बिल्डिंग में ऐसे कितने परिवार थे जिनको पूरा सबको बाहर निकाला गया है? 15, 16, 17 क्या 21 हम लोग चार आदमी थे, कम से कम चार आदमी है, एक 18 परिवार थे, 18 परिवार बंद है, सिर्फ दो फ्लैट बंद है, 18 परिवार पूरे थे। अच्छा। और ये नीचे भी वो एक गोदाम है। हाँ। उसका बोल रहे पूरा अनाज भी फेंक दो। हाँ। लेकिन ये बोले खाली करके दो। अच्छा। ये खाली करके ही मांगता। अच्छा, वो किराए पे किसी ने लिया है? हाँ, उसका अनाज है पूरा। अच्छा, उसका गोदाम है अनाज का। इंतजाम करते जब निकालते तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा निकालेंगे बारिश के टाइम रहेंगे कहाँ, कहाँ रहेंगे, सब निकाल के छोड़ेंगे। फिरोज भाई, आप कितने साल से रहते हैं हैदराबाद बिल्डिंग में, और आज मनपा ने इसको खाली करा के सील करने का, अति धोखादायक बिल्डिंग बोल करके जो कार्रवाई की है, उस पर क्या कहना है आपका? सर, ऐसा है कि एक महीना पहले जो है म्यूनसिपालिटी की तरफ से एक रिपोर्ट आया था, यानी कंप्लेंट के तौर पर आया था कि आपकी बिल्डिंग का जो है धोखादायक है, हमको जो ऑडिट करना है। हाँ। और हम लोगों ने पूरी बिल्डिंग मिल करके जितने भी कमे ओनर लोग थे सबको हम लोगों ने बोला। हाँ। और सबको बोला करके उनसे मैंने बात किया कि भाई ऐसी सी बात आई तो क्या करना चाहिए। हाँ। सब ओनर ने राजी हो गए कि भाई ऑडिट करने दे दो। हाँ। तो ऑडिट करने के बाद जो है उसने 2-3 दिन के बाद हमको ऑडिट रिपोर्ट ला के देता है और ये कहता है कि भाई तुम्हारा बिल्डिंग जो है C2A में चला गया है, तुम रिपेयरिंग कर सकते हो। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है, ओके सर, हमको कुछ समय दिया जाए। बोला ठीक है, मैं तुमको कुछ समय देता हूँ, तुम रिपेयरिंग कर दो। उसके बाद जो है फिर उसी एक हफ्ते के बाद वापस जो है एक साहब आए और उन्होंने कहा कि भाई तुम जल्दी बिल्डिंग खाली करो। तो फिर मैंने उनसे बात किया, बोले साहब ऐसा कैसे आप बात कर रहे हैं, आप एक तरफ से ऑडिट रिपोर्ट जिस हिसाब से आपने दिए हैं और आप तो ये कहते हो कि आप रिपेयरिंग करो और आप वापस बोलते खाली करो करके, तने तुमने काम क्यों नहीं चालू किए? मैंने कहा था सर अभी लॉकडाउन का मामला है, इस तरीके से ऐसा मसला है कि फाइनेंशियली भी थोड़ी तकलीफ चल रही है, हम लोगों ने किसी भी तरीके से थोड़ा थोड़ा पैसा करके हम लोगों ने जमा कर रहे हैं और हम लोग काम शुरू कर देंगे। तो वही 2-3 दिन के बाद जो है हम लोगों ने काम शुरू कर भी दिए, और जबकि यहाँ पर राबिटी पड़ा हुआ है,
जो जिससे हमको तकलीफ हो रहा था कि थोड़ा सा लगता है कि ये स्लैब के ऊपर प्लास्टर जो होता है वो प्लास्टर गिर जाया करके, हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। और उसी दिन जो है कोई साहब आए और उसका फ़ोटो लिया और बोले फ़ौरन खाली करो। इस तरीके से पूरी बिल्डिंग वाले जो बहुत परेशान हो गए। पर उनको किसी ने ऐसी शिकायत दी कि यहाँ पर ये स्लैब का हिस्सा गिर गया है? हाँ, शायद ऐसा ही लगता है कि किसी ने शिकायत करते हुए जो है ना कोई कहा होगा कि भाई स्लैब गिर गया करके। अच्छा। लेकिन हमको उतना, जबकि वो आप लोगों ने रिपेयरिंग के लिए तोड़ा था? जी, रिपेयरिंग के लिए हमने तोड़ दिए थे। बाकायदा मेरे पास फोटो भी है जो रिपेयरिंग का, मैंने जब काम शुरू किया हूँ तो वो मैंने फोटो लेके रखा हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ उस चीज़ का मैं प्रूफ रखता हूँ, हर हमेशा रखता हूँ। अच्छा। इसलिए मेरे मोबाइल में उस चीज़ का प्रूफ है। उसके बाद जब वो साहब आए, साहब आकर के जो है इस तरह से बोला कि नहीं बोलो मेरे ऑफिस पे आने के लिए, तो मैं अपने जना मौलाना जावेद अख्तर साहब जो है जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उनसे जाके मैंने इस मसले में जो है पूरी बिल्डिंग वाली जाकर के हम लोगों ने जाकर मशवरा किया, सर ऐसा सा मामला या क्या करूं। तो उन्होंने बोले एक काम करो, एक आर्जी तौर पे जो है ना एक पत्र मालिक के दे दो। तो उन्होंने अपने जरिए से जो है सलाह मशवरा करके इस तरीके से लोग को जिस तरीके से उन्होंने कहा हम लोगों ने लिखवा करके हम लोगों ने डिस्पैच कर दिया। और जो साहब आए तो उन्होंने कहा था कि जो ऑडिट पेपर है वो और जो ऑडिट का जो डिस्पैच किया हुआ है लेटर वो साथ में और आरजी नामा साथ में हम लोग को जमा कर दो। मैंने जाके जमा कर दिया। वही 5-6 दिन हुआ ही है इस तरीके से मामला है। आज जिस तरीके से सर मामला हुआ है, हमको तो नहीं लगता है कि एक सेकंड का भी किसी को भी समय मिला होगा कि जो खाना खा रहे थे और उसको भी समय नहीं मिला होगा कि भाई खाना खा लो करके फौरन घर से निकलो। तकरीबन जो है 2 और 2.5 के बीच में आए। 2 और 2.5 के बीच। जी जी जी, ठीक है। तो अभी कितने परिवार बाहर निकाले गए? परिवार तकरीबन इसके अंदर जो है 16 परिवार घर से बाहर है। अच्छा। इमीडिएटली में घर से बाहर हो गया है। अच्छा। क्योंकि 4 रूम बंद है। हाँ। और 20 रूम है उसके अंदर। हाँ। और 16 परिवार जो घर से बाहर हो गए। अभी हम लोग का सामान ऐसा हो गया है कि हम लोग कहीं के अभी मैंने बताया एक रूम परमानेंट बंद है कई सालों से, उसमें कोई रहता नहीं है। जी तकरीबन 20 में लोग रहते हैं। जी 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 जी, 20 में लोग रहते हैं। हाँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लॉकडाउन की वजह से गांव चले गए हैं। अच्छा। बल्कि वो अभी फिलहाल रूम बंद है। हाँ। उसको मैंने इस तरीके से सारा हिस्ट्री मैंने बताया कि भाई देखो इस तरीके से मामला आया हुआ है। हाँ। और क्या कर, बोले ठीक है हम आते हैं कोशिश करते हैं। तो हम लोगों ने प्रोसीजर काम का हम लोगों ने शुरू कर चुके थे, जबकि राबिट यहाँ पे पड़ा हुआ है, बाकायदा मेरे पास प्रूफ भी है काम से। उसके बाद भी हम लोग इसके हरेसमेंट करे तो कैसा लगे। अच्छा, कुछ औरतों से हाथापाई भी हुई, किसी के कपड़े उपड़े भी औरत के फाड़े गए, ऐसा भी कुछ? सर उस वक्त मैं था नहीं, लेकिन हुआ है क्या? हाँ, लेकिन हुआ है कुछ ऐसा। अच्छा। हुआ है कि औरत पर कुछ तरह से मामला हुआ है। हाँ। लेकिन मैं उस समय था नहीं, लोगों से मैंने सुना हूँ। हाँ। कि इस तरीके से मामला हो गया है कि औरत। अच्छा। के ऊपर जो है और किसी एक लड़के को जो घसीटते हुए। ये 16 से 18 परिवार अभी ये बारिश में लॉकडाउन में महामारी के दौरान अभी कैसे गुजारा करेंगे? क्या बस सर अब क्या मैं बताऊं कैसे गुजारा करेंगे। अभी तो रोड पे आ गए हैं हम लोग, तो कोई सहारा नहीं है। हाँ। क्योंकि 4-5 महीने का जो लॉकडाउन हुआ है, कोई 1 रुपये का आमदनी नहीं है। हाँ। किसी भी तरीके से कोशिश करेंगे, बिल्डिंग के हम लोग फिक्र पड़े हुए थे, बिल्डिंग का किसी भी तरीके से जो मानपा की तरफ से जो हुक्म आया हमको वो पालन करना है, तो पालन करने के लिए कोशिश में थे। लेकिन इस तरीके से मामला हुआ, अब समझ में नहीं आता है कि क्या करूँ, क्योंकि गोद में बच्चे लोग भी हैं। अच्छा, तो ऐसे हाल में ऐसी ये दुविधा जो अभी आप लोगों के सामने परेशानी आई है जी, प्रशासन से, यहाँ के नगर सेवकों से, मंत्री हैं यहाँ के विधायक जितेंद्र आवाड़, इन सबसे क्या अपील करोगे, किस तरीके की मदद चाहोगे? मैं तो प्रशासन से भी और नगर सेवक, यहाँ के नगर सेवक या जो भी मंत्री पद के जो भी लोग हैं, मैं उनसे बस आर्जी तमन्ना ये करता हूँ कि हमारे हैदराबाद के बिल्डिंग के अंदर एक गरीब मजदूर क्लास के लोग ही रहते हैं, कोई ऐसा बड़ा आदमी नहीं रहता है। हाँ। क्योंकि तकरीबन 22-23 साल इस बिल्डिंग में हो गया है, जिस कंडीशन में मैंने आज से 20 साल पहले ही देखा था कंडीशन, उसी कंडीशन में मैंने आज भी देख रहा हूँ। अच्छा। ऐसा कोई धोखादायक ऐसा कोई तो ऊपर वाले के हाथ में अच्छी अच्छी बिल्डिंगें गिर जाती है, मैं उनके बारे में नहीं कह सकता हूँ। लेकिन बस उम्मीद यही रखता हूँ कि हमारा कोई ऐसा कर दे या महाडा में कोई ऐसा हम लोगों का जो रहने की जगह दे दे, इससे बेहतर क्या हो सकता है। क्योंकि मैंने सुना हूँ कि भाई जब जो बिल्डिंगें खाली होती, जो बिल्डिंगें धोखादायक होती है, उसको महाडा में जो है रहने के लिए दिया जाता है, और जो गवर्नमेंट के तरफ से होता है कि 1500-2000 रुपये भाड़ा देता है, वो भी देने के लिए हम लोग किसी भी तरीके से वक्त समय गुजार लें, वो भी देने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन हम लोग महाडा में कम से कम जो है जिस तरीके से आम पब्लिक को दिया जाता है, उसी तरीके से हमारे जो बिल्डिंग में मेंबर हैं, क्योंकि अभी फिलहाल जो मैं इस बिल्डिंग का सेक्रेटरी हूँ जी, मेरे लेटर पेड है बाकायदा हैदराबाद बिल्डिंग का। हमारे जो असगर भाई हैं वो हमारे असगर भाई भी हैं और एक फैयाज भाई भी टेरेजर है और चेयरमैन है हमारे असगर भाई, तीनों मिलकर के हम लोगों ने एक सोसाइटी बनाने की कोशिश किया है और इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह यही सोसाइटी आगे चलता रहेगा। बस कोशिश यही हमारी यही है कि
कि जितने भी हमारे यहाँ के मुमरा कोसा के जितने भी नगर सेवक हैं, मैं उन्हीं से आर्जी करता हूँ ताकि हमारे जो लोग घर से बेहर हो गए हैं, बस उनको एक साया दे दीजिए, महाडाम को ऐसा मकान वगैरह हो, बस हम लोग को दे दीजिए, उसी में अपना वक्त समय गुजार लेंगे, जब तक जो होगा होता रहेगा। सलाम अलैकुम। हेलो गोचारी साहब, नमस्कार। हाँ बोला, नमस्कार गोचारी साहब। आज ये हैदराबाद बिल्डिंग खाली कराई गई आनंद फानंद में, क्या पूरा मामला है? अति धोखा दायक है क्या? ऐसा है, इनको अपन 2 साल से नोटिस दिया था। अच्छा। वो उधर उनको बोला था ये बिल्डिंग रिपेयर करके ले लो। हाँ। जो आरसीसी कंसल्टेंट है आपने चवन साहब, हाँ। उन्होंने भी उनको बहुत रिक्वेस्ट किया। हाँ। लास्ट में चवन साहब ने लेटर दिया। हाँ। और उधर के बिल्डिंग में जो लोग रहते थे 4-5 लोग, कल खुद आए थे, स्लैब साहब ऊपर का स्लैब गिर गया। अच्छा। तो हाँ, तो हम मैं और आहिर साहब अपने उपायुक्त, हाँ। उधर चल गए थे और बिल्डिंग का कंडीशन देखा कि वो बहुत डेंजरस लगा हमको। कितने बजे गए थे हम? 12:30-1 बजे गए थे। अच्छा। और उनको लोगों को बोला कि तुम ना रिपेयर किया ना कुछ किया, तो चवन साहब ने 10-15 मैं जब बीमार था ना, तो वो पीरियड में उन्होंने एक लेटर दे दिया अपने को। अच्छा। जितनी जैकेज बिल्डिंग है सीवन कंडीशन में है बोल के, हाँ। उन्होंने लेटर दिया तो मैं बोला चलो देखेंगे, साहब को भी लेके गया मैं। अच्छा। वो कंडीशन बहुत खराब लगी बिल्डिंग की। अच्छा। और चवन साहब भी उधर मेरे साथ में थे। अच्छा। कंसल्टेंट। अच्छा। तो वो बोले साहब, उन्होंने फोन किया मेरे को परसों रात को, साहब इसकी डेंजर कंडीशन हो गई। अच्छा। मैं कल सवेरे गया था 10-11 बजे, तो बहुत और वो खुद उसमें से बहुत से लोग निकल गए खुद। अच्छा। मगर एक बाई थी और उसका एक लड़का था और बाजू में एक फैमिली थी, उसको आज समझाया तो वो भी निकल गए। और अच्छा। एक भाई बहुत एरोगेंटली बैठ रही थी, इसके लिए दिल्ली पुलिस लेके उसको बाहर निकाला और उसके लड़के को, लड़का पुलिस टांग पर गया था, उसको पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके गए और पूरी बिल्डिंग पैकन करके सील कर दिया। लेकिन अभी उन लोगों का ऐसा कहना है कि 16 से 18 परिवार थे उसके अंदर। ओ 21 फ्लैट टोटल, टोटल 20 फैमिली थी। हाँ। उन लोगों से, उनके फैमिली उधर बिल्डिंग में रहने वाले लोगों ही बोले साहब, अभी 3-4 लोग बचे, बाकी के सब लोग चले गए। अच्छा। हाँ, वह तो ऊपर का फ्लोर भी खाली था, बहुत से रूम खाली थे उधर। और मैं बोला अभी रखने के नहीं इनको, क्योंकि इन्होंने ना रिपेयर किया 2 साल में, इसके लिए आपने कल 24 आवर का नोटिस दिया था और पुलिस स्टेशन को भी लेटर दिया, भाई ये डेंजर कंडीशन में है। लेकिन उनका कहना है कि जो आरसीसी कंसल्टेंट है चौहान साहब, उन्होंने C2A का रिपोर्ट दिया, रिपेयरिंग का दिया है। जो कुछ आरसीसी कंसल्टेंट बोल रहे हैं ना, C2A में 2 साल पहले C2A में थी। अच्छा। उन्होंने एक घमेले का सीमेंट भी नहीं लगा दिया उधर। नहीं तो ये लोग तो उनका रिपोर्ट जो बता रहे हैं वो 10 जून 2020 का बता रहे हैं। 2020 का ही बता रहे, जून का, 10 जून का। नहीं नहीं, उससे पहले उनको नोटिस दिया ना। हाँ, हाँ। रिपेयर करो बिल्डिंग को। अच्छा। तो रिपेयर किया नहीं ना, बिल्डिंग का लाइफ ऐसा है, उसको मेंटेन करेंगे तो रहेगा लाइफ। अच्छा, इसीलिए फिर मतलब आपने उसको सख्ती से कार्रवाई कराई ना। अभी भी कल तुम जाके, तुम खुद भी एक अनपढ़ आदमी भी देखेगा ना, वो डर देगा उधर जाने के लिए। अच्छा। और फिर टाइटल भी मेरे लेने का, और मैं उनको क्या बोला, हाँ। कि भाई तुमको लगता है ना, तुम बिल्डिंग खाली करो, 4 बारिश तक बाहर रहो, तब तक मैं और एक बार उसका कंसल्टेंट रिपोर्ट करता हूँ, मगर तुम्हारी जान को खतरे में डाल रहे हो। बराबर। अब तो और हो गया समझो, हाँ। कि कोरोना करे ऐसा नहीं होना होता, मगर हो गया तो हम तो जेल में जाएंगे तुम्हारे। बराबर बराबर। नोटिस दिए, हमारा काम है तुमको खाली करना। खाली करना सही है, कानून वो अधिकार है। हमको क्या सपोर्ट कर रहे हो ना, बिल्डिंग रिपेयर कर रहे हो ना, उसको टेको लगा रहे हो, हाँ, ना सपोर्ट दे रहे हो कौन सा। हम्म। अभी आपने इधर की एक बिल्डिंग थी मार्केट की, उसको टेको लगाए देखो। हाँ बराबर, जैकेटिंग किया उसको। हाँ, बैरिकेटिंग किया बाहर से, उसको सपोर्ट दिया। हाँ। 3 से और रिपेयर भी करके दे दिया। वो बिल्डिंग भी सीवन में थी, रिपोर्ट दिया अपने को। और वैसा भी समझो बारिश तक 2-3 महीना लोग बाहर रह गए। हाँ। और उसने पैसा निकाला और आरसीसी कंसल्टेंट को फिर बोलेगी, अपन भाई रिपेयर होते तो रिपेयर कर दे, नहीं तो 2 माला तोड़ देंगे, ऊपर का लोड कम कर देंगे। अच्छा। मगर वो आरसीसी कंसल्टेंट का ओपिनियन आया था मेरे को। हाँ। नहीं बोला साहब इसको खाली करो पहले। अच्छा। पहले खाली करो, क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी रहती है ना आरसीसी कंसल्टेंट। बराबर। हाँ, तो बोला पहले इसको खाली करो। अच्छा। तो उसने बोला हमको लेटर दिया खाली करो, और हमने नहीं खाली किया, कुछ हो गया तो आरसीसी कंसल्टेंट भी फ्री हो जाएगा। बराबर बराबर। तो लिखित दिया बोले, उसके ऐसे पब्लिक की जान को खेलने का नहीं, बाहर निकलो बाप।
थोड़ा बारिश में भीगेगा तो भी परुड़ेगा, मगर जानते के लिए देखते हैं बराबर बराबर इस हिसाब से उसको खाली किया है। ठीक ठीक। और खेल को किसको बेघर करने में मजा नहीं है बारिश में, मगर कैसा है कि आप क्या करेंगे कंसर्न आरसी कंसर्न और दूसरा उनको लगता है तुमको लगता है चवन नहीं बराबर दूसरा लाओ, हमको कोई मतलब बारिश तक उसमें रहने का नहीं। तो कम से कम उनको वक्ती तौर पर कुछ व्यवस्था दे सकते हैं क्या सर आप लोग? बाकी के लोगों ने तो सब ने रूम लिए है और वहाँ का जो स्कूल है अभी स्कूल बंद है ना उनको बोल रहा हूँ तुमको आठ दस दिन हमारे स्कूल में एक एक क्लासरूम एक एक फैमिली के लिए दे देता हूँ और आठ दस दिन में तुम तुम्हारा रूम देखो और निकल जाओ। जैसे बरकत वाले ने लिया ना रूम लास्ट में मिल दिया ना मुमरा ने, इतनी इंसानियत है लोग रूम देते सपोर्ट करते और आठ दस दिन के बाद में फिर और नहीं भी मिलेगा तो मेरे पास आएंगे तो मैं तो किधर तो बंदोबस्त करूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है ओके ओके थैंक यू सर। जानने के लिए खतरे में डाल रहे हैं। ठीक 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 थैंक यू सर ओके। अरे एक मिनट रुको बाबा नहीं मेरे को कोई पुलिस उलिस हाथ लगाना नहीं 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 मैं आपको मार ले लगाना नहीं मेरे को हाथ लगाना से गिरती तूफान बारिश उससे पहले लगा हुआ लॉकडाउन काम धंधा बेरोजगारी बेकारी इस आलम में फिर एक बार कौसा तनवर नगर के सामने हैदराबादर बिल्डिंग के ये 18 परिवार इस माहौल में मनपा ने अति धोखादायक बिल्डिंग की नोटिस लगा करके खाली करा करके इन परिवारों को सड़क पर लाकर कैसे खड़े कर दिया है। इस संबंध में हमने मनपा के उपनगर अभियंता और कार्यकारी अभियंता है धनंजय घोसा भी उनसे भी बात की है वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। क्या हालात है आज इस हैदराबादर बिल्डिंग के निवासियों की अति धोखादायक बिल्डिंग की वजह से कैसे वो सड़क पर आ गए
इसकी पूरी जानकारी देने वाली थी आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी।